Welcome back to my channel, No Diet, Just Bite. Wishing everyone a very happy Diwali. I hope आपकी दिवाली बहुत शुभ हो. Well, इस शुभ मुहूर्त पे आज हम बनाते हैं फिर से एक स्वीट डिश. हाँ जी, ये भी बेक्ड कपकेक्स है, बट ये स्पेशल मुंबई का फेमस पारसी मावा केक ओरिजिनल रेसिपी है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. वैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको शुरू करके दिखाई दिया है कि बटर और शुगर, आप पाउडर शुगर ले सकते हैं, ग्रैन्यूलेटेड ले सकते हैं. पाउडर लेंगे तो जल्दी मिक्स हो जाता है. सबसे पहले तो ये है कि आप पाउडर और पाउडर शुगर और बटर को स्पैटुला से मिक्स कीजिए, उसके बाद आप उसे विस्कर की मदद से कीजिए, क्योंकि वो शुगर स्प्लैटर हो जाएगा. आपको जब तक फेंटना है जब तक येलो कलर जो बटर का है वो शुगर के साथ मिलके वाइट ना हो जाए और स्टिफ ना हो जाए. तो आप देख रहे हैं कैसे स्टिफ हो गया है. अब एक एक करके आपको इसमें सारे अंडे डालने हैं. एक के बाद थोड़ा सा विस्क कीजिए, फिर एक डालिए, फिर विस्क कीजिए. ये वैसे अच्छा एक प्रोसीजर है क्योंकि इससे आपको पता चलता है अंडे अच्छे हैं या नहीं. अब इसी वक्त मैंने इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा इलायची पाउडर और वैनिला एसेंस डाल दिया है. आप चाहें तो मेस पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं. फिर मैंने इसमें फ्लावर ले लिया है, जो मैदा, और साथ में बेकिंग पाउडर को सिफ्ट कर लिया है. पहले मैं इसे स्पैटुला से थोड़ा सा मिक्स करूंगी, उसके बाद विस्क से इसे विस्क कर लूंगी अच्छे से, जब तक ये अच्छे से मिल ना जाए. बस याद रखिएगा कि स्क्रेप करते जाइए साइड से, और ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट बचे नहीं यहाँ वहाँ. ठीक है, ये अब अच्छे से स्मूथ बैटर बन गया है. इसकी कंसिस्टेंसी एकदम ड्रॉपिंग वाली होनी चाहिए, फ्लोई नहीं होनी चाहिए. अब मैंने इसमें खोआ डाल दिया है. ठीक है, और खोए को क्रम्बल करके ही डालना है और बारीक नहीं करना है, क्योंकि इसके पीसेस जब मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं. ठीक है, बस इसे फोल्ड करना है, आपको इसे मिक्स नहीं करना है, सिर्फ अंदर फोल्ड करना है. हार्डली लाइक 6-7 आप फोल्ड इस तरह से करते रहिए, काफ़ी है. फिर बस और क्या है, आपके कपकेक टिन में आप लाइनर्स लगा दीजिए, और आपको जो बैटर है वो ड्रॉप करना है, स्कूप करके ड्रॉप करना है. ये पोरिंग कंसिस्टेंसी का नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो 2 चम्मच की मदद से आप इसे एक से उठाइए, दूसरे से पुश करके, और 3/4 ही भरना है आपको, एकदम टॉप तक नहीं भरना है. ठीक है, और इसे अनइवन ही रहने दीजिएगा. आप देखिएगा कितना स्मूथ बन के आ जाएगा. ये देखिए प्रोसेस चालू है, और ये बन गया हमारा मावा केक. वेरी बहुत ही इजी, झटपट और कम इंग्रेडिएंट वाली कपकेक की डिश है. और बेकिंग, बिलीव मी, जिसे भी कुकिंग पसंद है वो बेकिंग उसके लिए बहुत ही सोलसम चीज़ है, मेरे लिए तो है. आप प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा. इसको आप किसी भी चीज़ के साथ आइसिंग कर सकते हैं. ये मैंने डस्ट किया है शुगर के साथ, बट क्योंकि ये खोए वाला है तो आपको इसमें कोई और एडिशनल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो आई होप आपको ये अच्छी लगी रेसिपी. यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स आपको लिख के दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा. एंड मुझे कमेंट्स में बताया करिए, क्योंकि मुझे पता चलेगा आपने ट्राई किया है तो आपसे कैसी बनी है. अगर कोई गलती है तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, support me so that I can make more videos for you guys. So thank you for watching. Bye bye.